नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ ही समय बाकी बचा है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच आज रविवार को बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का महागठबंधन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। इसके लिए दोपहर 12 बजे से गांधी मैदान में महागठबंधन की जनविश्वास महारैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में आरजेडी प्रमुख लालू यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह, सीपीआईएमएल राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, वाम दल से सीताराम येचुरी, डी राजा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। रैली की शुरुआत से पहले आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि जनविश्वास महारैली दिल्ली और बिहार की सत्ता को संदेश देने के लिए है। यह महारैली राजनीति की नई इबारत लिखेगी। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया अलायंस में कुछ दलों के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत बन गई है, तो वहीं अभी भी कुछ पार्टियों के बीच बातचीत होनी बाकी है। दरअसल पश्चिम बंगाल से सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई ठोस खबर सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीटों का तालमेल नहीं हो पा रहा। बता दें कि कांग्रेस ने पहले 6 सीटें मांगी थी, जिसे घटाकर 5 कर दिया गया, लेकिन ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे पर अभी भी उसकी टीएमसी से बातचीत हो सकती है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सीटों के बंटवारे के लिए तृणमूल से अभी भी बातचीत हो सकती है। बातचीत के लिए कांग्रेस के दरवाजे अभी भी खुले हैं। पश्चिम बंगाल संदेश खाली हिंसा मामले के मुख्य आरोपी बताए जा रहे टीएमसी नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन अभी भी मामला शांत नहीं हुआ। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार राज्य के सत्तारूढ़ टीएमसी पर हमलावर है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने एक बार फिर ममता सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आज रविवार को कहा कि ममता बनर्जी और टीएमसी ने राज्य को बर्बाद कर दिया। उन्होंने संपत्ति से लेकर महिलाओं की अस्मत तक सब कुछ लूट लिया है। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने विवादित बयान देते हुए आगे कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर मुद्दे को ठंडा कर सकते हैं, तो उन्हें बंगाल में जो अराजकता फैली है उसे ठंडा करने में केवल 2 मिनट लगेंगे। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए बम धमाके पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुलिस को इस जांच को लेकर पूरी छूट दी है, सरकार इसे लेकर बहुत गंभीर है। इस घटना पर बीजेपी की ओर से की जा रही राजनीतिक बयानबाजी को लेकर शिवकुमार ने कहा कि यह शर्मनाक है कि बीजेपी यह भूल गई है कि उनके दौर में क्या हुआ था। मैं इस तरह के मामलों को लेकर राजनीति करना पसंद नहीं करता। वे जो भी राजनीति कर रहे हैं उन्हें करने दें, वे राज्य के सम्मान को खराब कर रहे हैं। ऐसे में हमें एकता और देश के लोगों के बीच शांति को लेकर सचेत रहना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए जारी की गई पहली लिस्ट में बीजेपी ने तेलंगाना के हैदराबाद से माधवी लता को टिकट दिया है। बता दें कि वर्तमान में हैदराबाद से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं। इस इलाके को ओवैसी परिवार का गढ़ माना जाता है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 1984 में पहली बार इस सीट से सांसद बने और 2004 तक वो सांसद रहे, और इसके बाद से असदुद्दीन ओवैसी यहाँ से सांसद हैं। वहीं बीजेपी से टिकट मिलने पर माधवी लता ने प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी पर जमकर निशाना साधा है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि मैं पिछले 8 सालों से देख रही हूँ, वहाँ साफ सफाई और शिक्षा नहीं है। मदरसों में बच्चों को खाना नहीं मिल रहा। मंदिरों और हिंदू घरों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। मुस्लिम बच्चे अशिक्षित हैं, बाल श्रम हैं, उनके पास कोई शिक्षा या भविष्य नहीं है। इनका एक ही काम है दंगा, और जो लोग ऐसा करा रहे हैं वे इसका फायदा उठा रहे हैं। पुराना शहर हैदराबाद के मध्य में है, लेकिन वहाँ गरीबी है। मशहूर भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को आसनसोल लोकसभा सीट से टिकट दिए जाने पर यहां से पूर्व सांसद और बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बाबुल सुप्रियो ने अलग ही अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आसनसोल को पवन सिंह जी मुबारक हों। इसके साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में पवन सिंह की फिल्मों और एल्बम के कुछ पोस्टर शेयर किए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल बीजेपी के हैंडल को टैग करते हुए पोस्टरों को लेकर लिखा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है और ना ही करूंगा, लेकिन मेरे पास इन फिल्मों के पोस्टरों की बाढ़ आ गई है।
कलाकार पवन जी के खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ये पोस्टर सच है तो यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बंगाल के लिए और विशेष रूप से बंगाल की महिलाओं के लिए किस तरह का सम्मान है। निश्चित रूप से माननीय पीएम सर भी पोलो ग्राउंड में उनके लिए प्रचार करने आएंगे। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट पर मशहूर भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को उतारा है। बता दें कि यहां से वर्तमान में टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। पवन सिंह को टिकट दिए जाने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, इस मामले में वही लोग ज़्यादा रोशनी डाल पाएंगे। मेरे दिल में सभी के लिए शुभकामनाएं और आशीष है। यहाँ आसनसोल में कई लोगों का भी ये मानना है कि उन लोगों ने जिस तरह से नामों की घोषणा की है और जिन जिन नामों का ऐलान किया है उनमें बहुत से नाम ऐसे हैं जिससे लगता है कि बीजेपी सिर्फ अपना ही हित नहीं सोच रही बल्कि अपने साथ साथ शायद वह विपक्ष का भी और टीएमसी का भी हित सोच रही है। मैं उन्हें इस सोच के लिए बधाई देता हूँ। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में प्रसिद्ध पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया को भी टिकट दिया है। उन्हें राजस्थान की चूरू लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है जो कि उनका जन्म स्थल भी है। बीजेपी द्वारा टिकट दिए जाने पर देवेंद्र ने कहा कि मेरे लिए बड़ी खुशी का पल है, देश के 5 से 7 करोड़ दिव्यांग लोगों में खुशी है कि आज बीजेपी ने एक दिव्यांग व्यक्ति को टिकट दिया है। बता दें कि 42 वर्षीय देवेंद्र झाझरिया के नाम समर पैरालंपिक गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है और वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय एथलीट रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 50वां दिन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी है यात्रा, इस समय मध्य प्रदेश में मौजूद है। यात्रा के दौरान ग्वालियर पहुंचे राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि देश में इस समय पिछले 40 साल की सबसे अधिक बेरोजगारी है, अगर पाकिस्तान की तुलना करें तो यहां उससे 2 गुनी बेरोजगारी है। कांग्रेस नेता ने आंकड़ा बताते हुए कहा कि भारत में युवाओं में बेरोजगारी 23% है जबकि पाकिस्तान में 12%। यहां बांग्लादेश और भूटान से भी ज़्यादा बेरोजगार युवा हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और GST लागू कर छोटे कारोबारों को खत्म कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में भयंकर बेरोजगारी है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने अपनी ही पार्टी के सांसदों पर निशाना साधा है। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ सांसद सुदीप बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कोयला घोटाला मामले में सांसद के बैंक खातों की केंद्रीय एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। एक्स पर की गई इस पोस्ट में उन्होंने CBI और ED को भी टैग किया है। टैग करते हुए उन्होंने पोस्ट में कहा कि सांसद सुदीप बनर्जी के बैंक खातों की जाँच होनी चाहिए, इसी के साथ बनर्जी और एक निजी अस्पताल के बीच हुए भुगतान की भी जाँच हो। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एजेंसियों ने उनकी मांग को टालने की कोशिश की तो वह अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसके साथ ही कुणाल घोष ने कल शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि TMC के अनुभवी सांसद पूरे साल अपने निर्वाचन क्षेत्र में नज़र नहीं आते, बस लोकसभा चुनाव के दौरान वह जागते हैं। TMC के पास इनकी जगह कई उपयुक्त उम्मीदवार हैं जो हमेशा लोगों के साथ रहते हैं। बता दें कि TMC नेता कुणाल घोष ने शुक्रवार को पार्टी प्रवक्ता और पार्टी राज्य महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देते वक्त उन्होंने एक्स पर लिखा था कि वह तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव और प्रवक्ता का पद नहीं रखना चाहते, वह सिस्टम में मिसफिट हैं और कार्य करने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि वह पार्टी में सिपाही बनकर रहेंगे, कृपया दल बदल की अफवाहों को हवा ना दें। ममता बनर्जी मेरी नेता हैं, अभिषेक बनर्जी मेरे सेनापति हैं और तृणमूल कांग्रेस मेरी पार्टी है। वहीं सूत्रों के अनुसार उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को दे दी है और इसके पहले ही उन्होंने अपने मीडिया प्रोफाइल से TMC की पहचान हटा दी है। बिहार के औरंगाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 21,000 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। PM मोदी का भाषण सुनने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन वही भाषण सुनने आए एक युवक सनी राज गुप्ता ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी बड़ी समस्या है, यहाँ युवाओं को रोजगार चाहिए। अगर मोदी रोजगार देते हैं, वैकेंसी आती है तो ठीक है, नहीं तो सोचना होगा। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाओं का कहना था कि सरकार ने हमें रोजगार देने के लिए काम किया है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। यानी अगर देखा जाए तो महंगाई और बेरोजगारी के मामले में लोग ना तो केंद्र सरकार से संतुष्ट हैं और ना ही राज्य सरकार से। केरल के पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में हाल ही में हुई एक छात्र की मौत के मामले में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर MR शशिंद्रन को कल शनिवार को निलंबित कर दिया है।
राज्यपाल ने निलंबन के आदेश में कहा है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पृष्ठभूमि में कुलपति का उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति उदासीन, लापरवाह और संवेदनहीन रवैया उजागर होता है। इसके साथ ही राज्यपाल ने छात्र की मौत की न्यायिक जाँच के भी आदेश दिए हैं। बता दें कि पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन फैकल्टी में ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का एक छात्र 18 फरवरी को अपने हॉस्टल के बाथरूम में फंदे से लटका मिला था। उसके माता पिता ने दावा किया कि कॉलेज में पढ़ने वाले उसके कुछ अन्य क्लासमेट ने उन्हें बताया है कि स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कुछ स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके बेटे की पिटाई की थी, उसके बाद ही उसने जान दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसराइल और हमास में बीते 5 महीनों से जारी युद्ध के बीच पहली बार अमेरिका ने गजा पट्टी में विमानों से राहत सामग्री गिराई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने 3 सैन्य विमानों से खाने के 38,000 पैकेट गिराए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार यह अभियान जॉर्डन की एयरफोर्स की मदद से चलाया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को राष्ट्रपति जो बाइडन ने घोषणा की थी और आज पहली बार राहत सामग्री गिराई गई है। बता दें कि गुरुवार को राहत सामग्री का इंतजार कर रहे 100 से अधिक लोगों के मारे जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने गजा में एयरड्रॉप सर्विस के जरिए राहत सामग्री पहुंचाने की घोषणा की थी और अपने बयान में कहा था कि अमेरिका आग्रह करता है कि इसराइल अधिक से अधिक ट्रकों को जाने और अन्य रास्तों को खोलने की इजाज़त दे ताकि ज़रूरतमंदों को राहत पहुँच सके। बता दें कि यह पहली बार है जब अमेरिका ने गजा में मदद पहुँचाई है। इससे पहले ब्रिटेन, फ्रांस, मिस्र और जॉर्डन विमान से राहत सामग्री गिरा चुके हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।